हाय गाइज वेलकम बैक आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू हैंडल कॉन्स्टेंट्स इन पाइथन प्रोजेक्ट मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिनका यूज किया जाता है रियल पाइथन प्रोजेक्ट्स में टू मेंटेन कॉन्स्टेंट्स चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बात करते हैं वॉट आर कॉन्स्टेंट्स इन प्रोग्रामिंग कॉन्स्टेंट्स मीन्स समथिंग दैट विल नॉट चेंज विथ टाइम कॉन्स्टेंट्स ऐसे वेरिएबल्स और नेम्स होते हैं जिनका वैल्यू चेंज नहीं होगा आफ्टर डिफाइन सपोज आपने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया पाए वैल्यू असाइन की थ्री पॉइंट वन फोर वन फाइव नाइन डिफाइन करने के बाद थ्रू आउट द प्रोग्राम आप इस वेरिएबल का वैल्यू चेंज नहीं कर सकते इसकी आपको परमिशन नहीं होगी अगर आप चेंज करने की कोशिश भी करेंगे तो आपको एरर आ जाएगा सो पाए वेरिएबल हियर इज कॉन्स्टेंट लगभग सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बिल्टन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है टू क्रिएट कॉन्स्टेंट एग्जाम्पल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे एक कॉन्स्ट की होता है अगर आप वेरिएबल बनाएंगे विद दिस कीवर्ड तो उस वेरिएबल का वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते थ्रू आउट द प्रोग्राम देन जावा में फाइनल कीवर्ड होता है टू डिफाइन कॉन्स्टेंट्स अगर आप फाइनल कीवर्ड का यूज करेंगे किसी वेरिएबल के साथ तो उस वेरिएबल का वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते करने की कोशिश करेंगे तो एरर आ जाएगा और एक्सेप्शन आ जाएगा लेकिन व्हाट अबाउट पाइथन पाइथन में कांस्टेंट्स क्रिएट करने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है कोई कीवर्ड नहीं है इनफैक्ट आप पाइथन में कांस्टेंट्स क्रिएट नहीं कर सकते जो भी वेरिएबल आप पाइथन में डिफाइन करेंगे उस वेरिएबल का वैल्यू आप कभी भी चेंज कर सकते है देर इज नो हियर सपोज आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है वॉट आर कॉन्स्टेंट इन पाइथन सीधा बोल देने का देर इज नो डायरेक्ट कीवर्ड और मैकेनिज्म टू क्रिएट पाइथन में हम कॉन्स्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते लेकिन हाँ पाइथन में ऐसे तरीके यूज़ किए जाते हैं जिनका यूज़ करके हम कॉन्स्टेंट्स का फील ले सकते हैं सो so चलिए चार तरीके मैं आपको बताता हूँ पहला तरीका है बाय यूजिंग अपर केस कन्वेंशन ये एक कन्वेंशन है जो भी वेरिएबल हम कॉन्स्टेंट बनाना चाहते हैं उस वेरिएबल को हम अपर केस में लिखेंगे ताकि अदर डेवलपर्स को ये समझ में आ जाएगा कि दिस पर्टिकुलर वेरिएबल इज़ कॉन्स्टेंट एंड इसे चेंज नहीं करना है लेकिन वो चेंज हो सकता है दिस इज जस्ट अ कन्वेंशन सेकेंड तरीका है बायजिंग मॉड्यूल लेवल वेरिएबल बताऊंगा विथ एग्जाम्पल थर्ड वन इज यूजिंग द यूनमरेशन मॉड्यूल ये बिल्टिन मॉड्यूल है एंड इसमें एक एन एम क्लास होता है उस क्लास का हम यूज करेंगे एंड कॉन्स्टेंट्स को वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे फोर्थ वन इज यूज प्राइवेट वेरिएबल्स हमने इन कैप्सुलेशन का कंसेप्ट पढ़ा है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं टू क्रिएट कॉन्स्टेंट्स कैसे चलिए जानते हैं इन वी एस कोड कंसिडर मेरे पास एक वेरिएबल है पाई जिसकी वैल्यू है थ्री पॉइंट वन फोर वन फाइव नाइन इस वेरिएबल की वैल्यू मैं कभी भी चेंज नहीं करना चाहता हूँ लेकिन हो सकता है कि ऐसे फंक्शंस क्लासेस हो आपके प्रोजेक्ट में जो इस वेरिएबल को एक्सेस करके इसका एक्सीडेंटली मॉडिफिकेशन करते हैं एंड इस वेरिएबल का यूज़ हम टाइम टू टाइम कर रहे हैं टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल तो उस केस में आपको गलत रिजल्ट मिलेगा अगर आप सी प्रोग्रामिंग एंड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करते तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते तो वाइल्ड डिफाइनिंग द वेरिएबल कॉन्स्ट की का हम यूज़ करेंगे देन अगर पाए वेरिएबल को एक्सेस करके उसमें मॉडिफिकेशनस होने की कोशिश होती है तुरंत आपको एरर और एक्सेप्शन दिया जाएगा कभी भी इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होगी सो दिस इज़ कॉन्स्टेंट लेकिन वी नो पाइथन में ऐसा कोई तरीका नहीं है पाइथन में एक कन्वेंशन यूज़ किया जाता है डेवलपर्स के द्वारा जब भी ऐसा कोई वेरिएबल हो जिसकी वैल्यू हमें चेंज नहीं करनी है उस वेरिएबल को डिफाइन किया जाता है इन अपर केस लेटर सो सपोज़ मैं यहाँ पे किसी क्लास के अंदर किसी मॉड्यूल के अंदर और फंक्शन के अंदर पाए वेरिएबल को एक्सेस करता हूँ और इसे चेंज करने की कोशिश करता हूँ तो तुरंत मुझे समझ में आ जाएगा एज़ अ डेवलपर कि ये वेरिएबल अपर केस में लिखा है इसकी वैल्यू मुझे चेंज नहीं करनी चाहिए बिकॉज़ इट कैन बी द कॉन्स्टेंट तो याद रखिए जब भी आप रियल प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो कॉन्स्टेंट्स को अपर केस में ही डिफाइन करना चाहिए ये कन्वेंशन है सभी डेवलपर्स फॉलो करते हैं दूसरा तरीका है बाय यूजिंग मॉड्यूल लेवल वेरिएबल हमारे प्रोजेक्ट में एक मॉड्यूल होगा जिसमें हम सारे कॉन्स्टेंट्स मेंटेन करेंगे आई एल क्रिएट दैट मॉड्यूल न्यू फाइल टेक्स्ट फाइल सेव इट एंड आईल गिव द नेम कॉन्स्टेंट्स एंड एक्सटेंशन डॉट इट विल बिकम पाइथन फाइल एंड इसमें मैं कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करूंगा पाए मैं डिफाइन करता हूं अपर केस में ही करना है फॉलो द कन्वेंशन एल गिव द वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर वन फाइव नाइन अब इस कॉन्स्टेंट को सपोज मुझे यूज करना है मेरे मेन मॉड्यूल में एग्जाम्पल वन डॉट पाए एल इम्पोर्ट कॉन्स्टेंट्स कॉन्स्टेंट्स को इम्पोर्ट करने के बाद आप उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं रिमेंबर आपको सिर्फ इम्पोर्ट कॉन्स्टेंसी करना है फ्रॉम कॉन्स्टेंस इम्पोर्ट एवरीथिंग दूसरा तरीका यूज़ नहीं करना है इम्पोर्ट का क्योंकि जब हम इम्पोर्ट कॉन्स्टेंट्स पूरा का पूरा मॉड्यूल इम्पोर्ट करते हैं तो सारे वेरिएबल्स इम्पोर्ट हो जाएंगे एंड एवरी टाइम हमें मॉड्यूल का नाम एज अ रेफरेंस देना पड़ेगा सो so, यहाँ पे अगर मुझे इस वेरिएबल को एक्सेस करना है तो मुझे कॉन्स्टेंट्स का रेफरेंस देना पड़ेगा सो प्रिंट कॉन्स्टेंट्स कॉन्स्टेंस डॉट पाई सो so, इस तरीके से आप एक्सेस करेंगे एल रन पाए एग्जाम्पल वन डॉट पाए एंड हेयर यू गो एक्सेस करके मिला आप इसे चेंज भी कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं करूंगा एज ए डेवलपर क्योंकि ये जो रेफरेंस है कॉन्स्टेंट्स ये मुझे बता रहा है कि पाए एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है विच इज प्रेजेंट इन कॉन्स्टेंट मॉड्यूल सो यू डोंट हैव टू चेंज इट तीसरा तरीका है बाई यूजिंग ई न्यूमरेशन मॉड्यूल ये तरीका मोस्टली यूज किया जाता है हम एक क्लास बनाएंगे क्लास कॉन्स्टेंट्स एंड ये क्लास इनहेरिट होगा फ्रॉम द एनम क्लास एनम क्लास प्रेजेंट है एनम मॉड्यूल में सो विल इंपोर्ट दैट क्लास फ्रॉम एनम मॉड्यूल इंपोर्ट ई न्यूमरेशन क्लास सो यू कैन सी ई इज इन कैपिटल जो क्लास नेम का कन्वेंशन होता है सो इससे समझ में आ रहा है कि ये एक क्लास है सो क्लास कॉन्स्टेंट्स इनहेरिट फ्रॉम ई न्यूमरेशन क्लास एंड जितने भी कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल से वो आप यहाँ पे बनाएंगे मैं बनाता हूँ पाए राइट इन अपर केस एंड गिव द वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर वन फाइव नाइन अब आप इस पाए को चेंज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ ई न्यूमरेशन ई न्यूमरेशन में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनको आप चेंज नहीं कर सकते अगर आप एक्सेस करके चेंज करने की कोशिश करते हैं कॉन्स्टेंट्स डॉट पाए एंड गिव द सर्टन वैल्यू थर्टी एंड देन प्रिंट करता हूँ कॉन्स्टेंस डॉट पाए लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे इस तरीके से एक्सेस नहीं किया जाता इन्यूमरेटेड वेरिएबल्स को इन्हें एक्सेस करने के लिए हमें एक तरीका फॉलो करना पड़ेगा सो इफ़ यू राइट कॉन्स्टेंस डॉट पाए आपको डायरेक्टली कॉन्स्टेंस डॉट पाए प्रिंट करके मिल सकता है और यू कैन सी हीयर हमें एरर मिल गया क्योंकि हमने असाइनमेंट किया है उस वेरिएबल को एट्रीब्यूट एरर कैन नॉट रीअसाइन मेम्बर सो आप इस मेम्बर को रीअसाइन नहीं कर सकते तो ये बन गया कॉन्स्टेंट अब मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ सो एरर रिमूव हो जाएगा एंड नाउ यू कैन सी कॉन्स्टेंट डॉट पाए प्रिंट करके मिला हमें तो वैल्यू प्रिंट करके चाहिए इसके लिए आपको एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है डॉट वैल्यू एंड रन नाउ एंड अब हमें एरर मिल गया बिकॉज हमने वैल्यूज़ लिखा है इट शुड बी वैल्यू क्लियर करता हूँ स्क्रीन को एंड रन करता हूँ यू कैन सी हमें वैल्यू एक्सेस करके मिला सो ई न्यूमरेटेड क्लास में जितने भी वेरिएबल्स हमने डिफाइन किए उनको एक्सेस करने के लिए हमें डॉट वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा आप डायरेक्टली वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते अगर आप यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़ करके चेंज करने की कोशिश करते उसके बाद भी आपको एरर मिलेगा यू कैन सी हेयर कैन नॉट सेट एट्रीब्यूट वैल्यू सो so, आप चेंज नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर वेरिएबल में ये बन गया कांस्टेंट तो इस तरीके से ई न्यूमरेशन का यूज करके हमने कांस्टेंट्स क्रिएट किए मोस्टली फॉलोड वे नेक्स्ट तरीका है यूज़ प्राइवेट वेरिएबल्स अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज करते तो आप इन कैप्सुलेशन का यूज कर सकते हैं यहाँ पे सपोज मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ कॉन्स्टेंट्स एंड इसमें वेरिएबल मैं डिफाइन करता हूँ पाए इट इज इन कैपिटल थ्री पॉइंट वन फोर वन फाइव नाइन इस वेरिएबल को एक्सेस करता हूं कॉन्स्टेंट्स डॉट पाए यू कैन डायरेक्टली एक्सेस नाउ बिकॉज इट इज नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम द एनएम क्लास दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टेंस क्लास इज नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम एन एम क्लास तो आपको अब वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज करने की जरूरत नहीं है एल राइटर कॉन्स्टेंट रन करतेन सी थ्री पॉइंट वन फोर वन फाइव नाइन एक्सेस करके मिला ये हो गया नॉर्मल वेरिएबल अब इसे प्राइवेट बनाते हैं प्राइवेट करने के लिए आपको सिर्फ दो अंडरस्कोर से प्रिसीड करना है अब आप यहाँ पे अंडरस्कोर अंडरस्कोर देके एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो एक्सेस नहीं होगा एट्रीब्यूट एरर बिकॉज इट इज़ अ प्राइवेट वेरिएबल इसे एक्सेस करने के लिए आपको क्लास का मेम्बर ही चाहिए मेम्बर फंक्शन और मेथड आप डायरेक्टली बाहर एक्सेस नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर वेरिएबल को तो यहाँ पे एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशंस नहीं होंगे सो so, ये इतने सारे तरीके जो आप यूज़ कर सकते टू मेनटेन इन योर प्रोजेक्ट आई होप ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल लगा होगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा विल सी यू नेक्स्ट टाइम